पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरेगी या बोल्ड होगी या रनआउट होगी या उनको जीवनदान मिल जाएगा, इस पूरे खेल को आज मैं आपको समझाता हूं। लगातार आप पाकिस्तान की खबरें देख रहे होंगे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तमाम खबरें आ रही होंगी। आइए उनके अंदर मैं ले जाता हूं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान क्रिकेट की पिच पर कई बार धुरंधर बल्लेबाजों को बोल्ड कर चुके हैं, लेकिन अब सियासत के मैदान में उनके बोल्ड होने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। इमरान खान ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आक्रामक अभियान भी शुरू कर दिया है। इसके लिए अब वे लगातार रैलियां कर रहे हैं और अपने विरोधी राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं, ताकि विपक्ष के 100 सांसदों की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जनमत को तैयार किया जा सके। इमरान को न केवल विपक्षी बल्कि अपनी पार्टी में भी विद्रोह से जूझना पड़ रहा है। उनकी पार्टी के तमाम सांसद दूसरे दलों में जा चुके हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के 24 से ज्यादा सांसद विद्रोह कर चुके हैं और इसी विद्रोह का कारण है कि इमरान की कुर्सी कभी भी उनके नीचे से खिसक सकती है। उधर विपक्षी दल पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से एकजुट हो चुका है, ताकि इमरान खान सरकार को उखाड़ फेंका जा सके। इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से ठीक पहले जनता के मूड को अपने पक्ष में करने के लिए पूरे देश में जोरदार जलसे कर रहे हैं। इस दौरान वह न केवल विपक्षी गठबंधन पर हमले कर रहे हैं, वहीं अपने बागी सांसदों को भी मनाने की भी अंदरूनी कोशिशें कर रहे हैं। इमरान खान विपक्षी दलों को परिणाम भुगतने तक की भी धमकी दे चुके हैं। इमरान खान की सरकार अपने बागी सांसदों को हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए वो कोर्ट तक पहुंच चुकी है। कोर्ट तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने तमाम प्रयास किए इमरान खान ने, लेकिन उनका ये जो दाव था वो नहीं चल पाया, ना ही उनको सेना की तरफ से कोई मदद मिल रही है। इस बीच पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 25 मार्च को पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान खान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया है, जिसमें उसके पार्टी सदस्यों के खिलाफ उठाए जा सकने वाले कदमों और कार्रवाई पर स्पष्टता की मांग की गई, जो इसके खिलाफ मतदान कर सकते हैं। पाकिस्तान सरकार ने 4 मुख्य सवाल उठाए हैं, जिसमें पार्टी एक सदस्य की अयोग्यता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से सुझाव और स्पष्टता की मांग की गई है। पाकिस्तान की राजनीति में चल रहे दलबदल और खरीद फरोख्त की प्रथा पर रेफरेंस यानी संदर्भ में कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी राजनीति में स्थिरता हासिल करने में विफल रहा है। रेफरेंस में कहा गया है कि निर्वाचित सदस्यों के दलबदल में कई दोष होते हैं। सबसे पहले, यदि सदस्य किसी घोषणा पत्र के आधार पर या किसी राजनीतिक दल से संबंधता के कारण या सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर अपने विशेष रूप के कारण चुना गया है, तो क्या निर्वाचक मंडल द्वारा दलबदल उसके प्रति स्पष्ट रूप से विश्वास का उल्लंघन है? इसमें आगे कहा गया कि यदि उसकी अंतरात्मा उसे ऐसा करने के लिए कहती है, तो क्या यह वह उसे समीचीन समझा जा सकता है? तो उसके लिए एक ही रास्ता खुला है कि वह अपने प्रतिनिधि चरित्र को त्याग दे, जिसका वह अब प्रतिनिधित्व नहीं करता है, और फिर से चुनाव लड़ता है। इससे एक सम्माननीय स्वच्छ राजनीति और राजसी नेतृत्व का उदय संभव हो सकेगा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की सरकार को गिराने में उनके ही दल के तमाम नेता एकजुट हो चुके। 33 सदस्यों ने उनकी पार्टी को छोड़ दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि सत्ताधारी पीटीआई के करीब 2 दर्जन असंतुष्ट एमएनए उनके खिलाफ खुलकर सामने आ गए। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार संघीय राजधानी में सिंध हाउस में शरण लेते हुए इसमें से कई एमएनए ने विभिन्न मीडिया आउटलेट्स को साक्षात्कार दिया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने सत्ताधारी पार्टी से नाता तोड़ दिया है और वे पीटीआई के टिकट पर अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। रिपोर्ट के अनुसार एक चौंकाने वाले खुलासे में पीटीआई के रमेश कुमार ने दावा किया है कि 3 संघीय मंत्रियों सहित सदन के 33 सदस्यों ने सत्तारूढ़ दल छोड़ दिया है और प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वही पीएम इमरान खान की तरफ से और उनकी सरकार की तरफ से लगातार सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके सारे प्रयास असफल दिखाई दे रहे हैं। सिंध हाउस में शरण लेने के अपने कारण को साझा करते हुए कुमार ने कहा कि उन्होंने सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह से सुरक्षा मांगी थी, जब उनकी पत्नी को पार्लियामेंट लॉज में धमकी दी गई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के इस कदम का उद्देश्य दलबदलू सदस्यों पर अधिक दबाव डालना है, जो विपक्षी दलों में शामिल हो गए हैं और जिन्होंने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ मतदान करने का फैसला किया है। पार्टी के विद्रोही नेताओं के इस रुख को देखते हुए ही इमरान खान अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए अब सभी प्रकार की कोशिशों में लग चुके हैं। इमरान खान को लेकर विपक्ष के पास सिर्फ एक तीर नहीं है, उनके पास उनकी तरकश में तमाम तीर हैं, और इसी वजह से विपक्ष ने प्लान बी भी बना रखा है। पाकिस्तान के
नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान सरकार को हटाने की मुहिम में जुटा संयुक्त विपक्षी गठबंधन मतलब कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट प्रस्ताव विफल हो जाने की स्थिति में प्रधानमंत्री के खिलाफ राजनीतिक हमले जारी रखने के लिए विभिन्न रणनीतियां बना रहा है। सूत्रों का कहना है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव का शुरुआती प्लान ए विफल हो जाता है तब की स्थिति में पीडीएम अलग अलग विकल्प यानी कि प्लान बी सी जी इन सभी के जरिए सरकार को घेरेगा। प्लान ए के अनुसार विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर जोर दे रहे हैं जो 25 मार्च को नेशनल असेंबली में पेश किया जाना है और इसी अविश्वास प्रस्ताव से लगातार इमरान खान डरे हुए हैं और उनके गृहमंत्री शेख रसीद हों चाहे अन्य मंत्री हों लगातार अपनी पार्टी की सरकार को बचाने के लिए प्रयासरत हैं और यहां तक कह बैठे हैं कि अगर जो भी हमारी पार्टी को छोड़कर सांसद गया है जब वो मतदान करके बाहर निकलेगा तो असेंबली के बाहर जब जनता उसको मिलेगी तो उसके साथ हो सकता है मॉब लिंचिंग भी हो जाए। तो ऐसे ही और ताजा तरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे थे बिग हेडलाइंस। धन्यवाद।